कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पटना सीजेएम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले के सिलसिले में पटना की अदालत से जमानत मिल गई है। उन्हें ये जमानत 10,000 रुपए के मुचलके पर मिली है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर प्रदर्शन कर राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद से दिए इस्तीफे को वापस लेने की मांग की। एक बार फिर से राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरी लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई आरएसएस और नरेंद्र मोदी की विचारधारा से है। कोर्ट से बाहर आने के बाद राहुल ने कहा, जो भी आरएसएस के खिलाफ खड़ा होता है और नरेंद्र मोदी की विचारधारा पर हमला होता है तो उस पर कोर्ट केस कर दिए जाते हैं। मेरी लड़ाई संविधान को बचाने की है, गरीबों और किसानों के लिए खड़े होने की है। इसके बाद जब शाम में राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटने के लिए एयरपोर्ट जाने लगे तो उन्हें भूख लग गई। इसके बाद वह पटना के एक रेस्टोरेंट में खाने पहुंचे। इस दौरान रेस्टोरेंट में पहले से खाना खा रहे लोगों को अपने बीच राहुल गांधी को अचानक देखकर आश्चर्य हुआ। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ये मामला राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी करने पर आपत्ति जताते हुए दायर किया था। इस रैली में राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने कहा कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है। गांधी का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैंक धोखाधड़ी आरोपी नीरव मोदी और इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की ओर था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज़।